subscribe the channel and press the bell notification icon. ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਛੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਛੜਾ ਫਿਲਮ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਲਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਤਨੀ ਯਾਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਬ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥ ਮੇਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਤਬ बस एक अच्छी फीलिंग आई जब भी इनके साथ काम करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और हमारे सीन्स बहुत ईजली होते हैं कोई रिहर्सल्स नहीं करते नेवर कोई प्लानिंग सो बस अच्छा लगता है when you work with somebody that brings the best out of you जी मैं भी सेम यही कहना चाहूँगा क्योंकि अभी एक फिल्म मैं सुन रहा था तो अभी वो फाइनल हुई है तो वो बोल रहे थे कि हम बैठ जाएँ 4-5 दिन हम रीडिंग करते हैं थोड़े डायलॉग्स ना एक दूसरे को थोड़ा फील समझ आ जाएगा तो हमने कभी रिहर्सल नहीं की और ना ही कभी बैठ के डायलॉग्स किए हैं हम जब भी हमने काम किया है वो सेट पे अपने अपने डायलॉग्स मिले होते हैं और नीरू जी की प्लस पॉइंट है इनको डायलॉग्स बहुत जल्दी याद होते हैं तो हमने कभी रिहर्स भी नहीं किया सीन सीधा टेक होता है ओके और ऑल्सो यू नो फिल्म जो है वो आप स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए परफेक्ट मैच ढूंढने में तो क्या कहना चाहेंगे थोड़ा बहुत स्टोरी के बारे में अगर हमको बता सके आप तो आपने सही कहा जितना आपने प्रोमो में देखा उतना आपने बिल्कुल सही कहा लेकिन फिल्म में क्या क्या है किस तरह से वो ऊपर नीचे जाती है कब उसको शादी करनी है कब उसको शादी नहीं करनी है कब वो डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे से शादी करें या ना करें और कब नीरू जी का जो किरदार है वो सोचता है कि शादी होनी नहीं चाहिए तो क्या क्या हो रहा है फिल्म में और जितने भी सवाल हैं वो 21 को सबको पता चल जाएगा सर गुड़िया को डॉल्स के साथ आपका पोस्टर दिखा क्या है मतलब क्या फैमिली प्लानिंग है क्या है कुछ थोड़ा कुछ हाँ प्लानिंग ही है भाई आपके सामने आपने सही तो थोड़ा कुछ बताइए क्या है मतलब पोस्टर में क्या दिखाना चाहते हैं कहानी इस बच्चे की है बेसिकली हाँ नहीं नहीं है मैं जो कर रहा हूँ कहानी बच्चे की नहीं है कहानी सभी बच्चों के लिए है जो आके देख सकते हैं और आपने क्या पूछा था वही मतलब किस तरह का या फैमिली प्लानिंग पर है मतलब आप दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं क्या दो कहाँ एक है वो काइली है अरे अच्छा वो तो उससे मेरी शादी हो रखी है फिल्म में ओके फिल्म का नाम जो है वो इटसेल्फ यू नो डिफाइन करता है कि बैचलर मैन या क्या नाम है अनमैरिड मैन क्या नाम है बट लाइक आई न्यू इट शडा 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 तो वो डिफाइन करता है कि यू नो अनमैरिड मैन तो इस पे कुछ बताना चाहेंगे जी बिल्कुल छड़ा जो है वो हमारे पंजाब में गांव में ऐसे करैक्टर होते हैं ये ऐसा फिक्शनल कोई करैक्टर नहीं है छड़ा और छड़ी ये करैक्टर होते हैं हमारे अपने सोसाइटी में तो उन पे थोड़ा थोड़ा टॉन्ट भी करते हैं लोग और जब जब कुड़ियाँ पंजाब च गिद्दा पौनियाँ तो उन्होंने बोलियाँ भी पौनियाँ जो तुम कोई पंजाबी बोली सुनी होगी तो तुम्हें शायद किसी को पता होगी सो ये हमारा अपना करैक्टर है और इस पर फिल्म नहीं बनी थी तो अगर आप फिल्म देखते हैं अगर आप पंजाबी नहीं देखते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देख कर आइएगा 21 तारीख को ये रिलीज़ हो रही है फैमिली के साथ और हम यहाँ बॉम्बे में भी रिलीज़ कर रहे हैं इसको मुंबई और पंजाब के बाहर भी सबटाइटल के साथ 100% आपको पसंद आएगी नहीं हिंदी में भाई छड़े को मैं क्या बोलता हिंदी में नहीं कुवारा नहीं होता कुवारा और होता है छड़ा और होता है बस यही फ़र्क है अगर इसको डब करने जाते ना तो सारा सत्यानाश हो जाता है इसके डायलॉग्स भी सत्यानाश हो जाते हैं तो इसलिए वो जो एक महक है ना एक जगह एक रीजन की जब एक फिल्म आती है जैसे पंजाब की फिल्म आ रही है अगर उसको आप हिंदी में डब कर दोगे ना तो उसकी अपनी महक भी चली जाएगी तो वो आपको एक फील भी समझ आएगा आपको एक 100% एक नया कंटेंट देखने को मिलेगा और उसके साथ सबटाइटल्स के साथ है तो आपको समझ भी आ रहा होगा तो आप पूरा फिल्म का मज़ा ले सकेंगे अगर उसको डब कर देते ना तो फिल्म ख़राब हो जाती भाई ओके आल्सो लव एट फर्स्ट साइट दिखाया है कुछ ऐसे फिल्म के अंदर हां जी लव एट फर्स्ट साइट लड़का लड़की जब मिलते हैं फर्स्ट साइट ही होता है फिर लव आपने कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन वो तो दिन में 5-7 बार हो जाता है
इसलिए मैं उससे अपने आप को उतना सीरियस नहीं लेता। तो फिल्म एक्चुअली सीरियस है, तो ये छड़ा जो है वो आप जितने यहाँ खड़े हैं, मैं ऑडियंस को तो कहूँगा ही, लेकिन आप लोग भी प्लीज़ उस दिन कोई इंटरव्यू मत कीजिएगा, प्लीज़ आप फिल्म देख कर आइएगा हमारी, और आप उसके बाद कभी मिले आप इंटरव्यू में तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में, और आप देख के आएंगे, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप मेरे को बता भी सकते हैं यार तुमने ये क्यों किया, आप क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ ये फिल्म बहुत अच्छी है, हमने देखी है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ओके नीरू जी, आप ने मतलब थोड़ा बताया नहीं हमें, पोस्टर्स अगर देखे तो काफ़ी यू नो आप यूनिक है, तो इसमें बताइए आप पूरा रूल कर रही हैं क्या? हाँ वो देखो फाड़ के खचले वैसे भी लड़कियों का जमाना है ना, मतलब हाँ जी प्लीज प्लीज बोलिए। एक कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट लड़की है, उसको भी शादी नहीं करनी है, एंड वो एक्चुअली 2 साल बड़ी है इनसे, तो वो भी डिफरेंट एस्पेक्ट है, सो वो शड़ी है फिल्म में, बस शी जस्ट अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल एंड यही है। देखिए रो मेरे हालात क्या है, यही है बस, फिल्म में भी ऐसे। ओके थैंक यू थैंक यू।